होता है 1100 एडिशन। क्यों ऐसा क्यों है? हमने बोया, हमने खोदा, हमने उसका निराई गुड़ाई की, हमने निकाला और मूल्य उसका दूसरा निर्धारित करे क्यों? अरे जब 1 रुपए की चॉकलेट का मूल्य निर्धारित पार्ले जी करता है तो 1 क्विंटल गेहूं का मूल्य निर्धारित हम क्यों नहीं कर सकते? अगर हम अपने थोड़े अनाज का मूल्य निर्धारित स्वयं करेंगे, अगर हम अपने मूल बोए अनाज को स्वयं स्टोर करेंगे अपने घर में, इन मंडियों में जो व्यापारी फिर गए ना उनको नहीं बेचेंगे, अपने घर में रखेंगे और हम जो पैसा लगेंगे उसी पैसे के हिसाब से अनाज बिकेगा, तभी हमारा कल्याण होगा। नहीं नहीं होगा। हमें अपने मेहनत का मेहनताना स्वयं निर्धारित करना है। हमें कितना कमाया है, हमने कितना दिया है, हमने कितना बोया है और कितना पाया है, किसान की भूमिका उस ऊपर वाले पर निर्धारित रहती है। वो कितना बरसेगा उतना होगा, पर पार्ले जी की फैक्ट्री के अंदर ऊपर वाला कोई कार्य नहीं करता, वो सब वर्कर्स द्वारा किया जाता है और बाद में अंकित किया जाता है 5 रुपए बिस्किट पैकेट और 7.5 रुपए दुकान पर हमें नहीं मिलेगा, पर 7.5 रुपए की बोरी 1100 रुपए में हम नहीं दे सकते, ये हमारी कमी है। और सबसे बड़ी कमजोरी किसान की यही है कि हमें एकता बिल्कुल नहीं है। सीकर जिले में इतने किसान हैं पर रात्रि के समय यहाँ पर महज 2000 आदमी होंगे, इससे ज्यादा आदमी नहीं है और जिले भी नहीं आते हैं। ये कमी हमारे हमारे पूर्वजों की और उन समस्त किसान प्रजाति की है जो यहाँ पर नहीं आए हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी से ताल्लुकात रखता हो, चाहे वो बीजेपी का हो, चाहे वो कांग्रेस का हो, चाहे वो कम्युनिस्ट का हो, पर वो किसान है। ये किसान महापड़ाव है, यहाँ पर बात किसान की रखी जा रही है, हमें किसी पार्टी किसी से मतलब नहीं है। हम अपना मत उसी को देंगे जिसे हम चाहते हैं, जो हमारा काम करता है, पर बात हमारे हितों की है। बात हमारे हितों की है कि हमारे द्वारा पैदा किया हुए अनाज का व्यवसायिक या वास्तविक मूल्य कौन देगा? कोई नहीं देता। सरकार मूल्य निर्धारित करती है कि इतना मूल्य व्यवसायिक या वास्तविक मूल्य है, प्याज का मूल्य इतना है और प्याज घट गया है, आपने पट्टियां पड़े पड़े किसान कड़ाई बनिया हुआ है। अरे बड़ी बात, ठेकेदार की मंडी में अपन को ले जाए इन्हें जगह 30 रुपए किलो मिलते और बड़े समझते हैं बाबू एक ही मीटिंग में बनी। पर अपन देख लू पड़े क्योंकि आपने मैं घर की बीमारी परेशानी प्रॉब्लम बस सगड़ी है। मैं धन्यवाद दूं कम्युनिस्ट पार्टी का महान नेता जुदाइया को भव्य अनावरण करो अतालोकन बना दिया और कम से कम आला कमान है ना बैठे हैं जयपुर में दस जापाया बैठन वैसे तो पूछी ना कह आस पास में यहाँ कोई आंदोलन हुए जैसे किसान की कोई मांग रख रहा है और मन गर्व है इस बात को कि बदल आदमी मेरा गाँव सुन है। मैं भारतीय भारत गए कोई बात नहीं है आदमी मेरा गांव जो है कॉम्रेड अमाराम जिंदाबाद, कॉम्रेड बेमाराम जिंदाबाद। धन्यवाद धन्यवाद बॉस। जवान जवान है, बात में दम है।